हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स और समिट्स न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ का 3रा पार्ट है। अगर पहले के 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। साउथ एशियन स्पीकर समिट, 4th साउथ एशियन स्पीकर समिट कहाँ हुई? मालदीव की कैपिटल माले में। किसके साथ हुई? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सेक्रेटरी जनरल के साथ, और कुछ सीनियर लॉ मेकर्स भी है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से। इस समिट से माले डिक्लेरेशन निकल के आया, माले डिक्लेरेशन निकल के आया और इसको अडॉप्ट किया गया सभी लीडर्स के द्वारा। माले डिक्लेरेशन में क्या था? इस डिक्लेरेशन में ये निकल के आया कि कश्मीर का जो इशू है वो इंटरनल मैटर है इंडिया का, और पाकिस्तान अगर कोई भी चीज़ कर रहा है, कोई भी अगर इसके खिलाफ़ बोलने की कोशिश करता है कश्मीर के मैटर के ऊपर, तो वो इंटरफेरेंस मानी जाएगी, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस मानी जाएगी। साउथ एशियन स्पीकर समिट ये 4th थी, इसको आपको याद रखना है। ये अभी मालदीव की कैपिटल माले में हो रही है, 2019 में हुई थी, 2018 में ये श्रीलंका के पार्लियामेंट में हुई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी, मतलब होस्टेड की गई थी, ठीक है। 2018 में श्रीलंका के पार्लियामेंट के द्वारा होस्ट की गई थी, और 2017 में इंडिया के पार्लियामेंट के द्वारा होस्ट की गई थी, ये आपको याद रखना है। सवाल ये उठता है कि आगे पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान के पास कुछ खास करने के लिए है नहीं, लेकिन वो अपनी जो प्रोपेगेंडा है वो फैला सकता है टेररिस्ट के जरिए, टेररिस्ट ग्रुप्स के जरिए, और कोशिश कर सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो कंट्रीज़ हैं उनको मना सकें, रेजोल्यूशन भी निकलवा सकता है। हालांकि एक जो ऑप्शन वो चूज़ कर सकता है जिसकी प्रायोरिटी हमेशा रहती है कि वो टेररिज्म को बढ़ावा दे सकता है जम्मू कश्मीर में। हालांकि ये बहुत रिस्की होगा, क्योंकि अगर वो ऐसी जिहादिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है जम्मू कश्मीर में, तो ये केवल इंडिया को और बूस्ट करेगा, इंडिया को और कह सकते हैं आप आगे पुश करेगा कि इंडिया पाकिस्तान पे प्रेशर डाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। इंडिया रिटेलिएशन भी कर सकता है, तो इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी ऐसे भी ख़राब है। तो जहाँ तक है टेररिज्म का अगर कोई इशू आता है तो उसकी पाकिस्तान की ही हार उसमें होगी। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये भी 4th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस थी, और ये भी मालदीव की कैपिटल माले में थी, ठीक है। तो आपकी साउथ एशियन स्पीकर समिट 4th माले में हुई थी, और ओशियन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 4th माले में हुई थी। थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम थी सिक्योरिंग द इंडियन ओशियन रीजन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चेंजेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो थीम आपको याद रखना है। दूसरी बात, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस क्या है अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो बेसिकली ये इंडिया के साथ सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश ने मिलकर शुरू की थी। एक एनुअल एफर्ट है, हर साल होती है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, 4th थी, इस बार माले में हुई। जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हेड्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको बुला के एक मीटिंग करवाई जाती है, और थीम आपको याद रहनी चाहिए थी, रहनी चाहिए। इंडियन ओशियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए कॉन्फ्रेंस भी क्यों बुलाई जा रही है इसके ऊपर? देखो, प्रिविलेज्ड लोकेशन है इसकी, प्रिविलेज्ड ग्लोबल ट्रेड में इसकी लोकेशन बहुत ही शानदार है, मतलब जो इंटरनेशनल इकोनॉमी की मेजर इंजन है, कनेक्ट करता है, ठीक है। आप देखेंगे कि नॉर्थ एटलांटिक देख लो, एशिया पैसिफिक देख लो, कनेक्ट करता ही है, और जिस तरीके से ग्लोबल शिपिंग बढ़ रही है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के टर्म्स में बात करूं तो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार है इंडियन ओशन में, 40% वर्ल्ड का ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन इंडियन ओशन बेसिन में होता है। फिशिंग इंडियन ओशन में जितनी होती है पूरी दुनिया की 15% होती है। मिनरल रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो निकल, कोबाल्ट, आयरन और कई तरह, मैग्नीज, कॉपर, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज भारी मात्रा में, इसके लिए इंडिया का डीप ओशन मिशन भी चल रहा है, और इतनी भारी मात्रा है ऐसा कहा जाता है कि इंडियन ओशियन में अगर हम उसका जितना हम अगर 10% भी अगर रिसोर्सेज अगर यूज़ कर लें तो आने वाले 100 सालों की भारत की
पता नहीं वो 10% था कि उससे कम था, कि आने वाले 100 सालों में भारत की एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं सारी पूरी हो जाएंगी। बात है अगर मैं और निकल की, कोबाल्ट की, मैंगनीज की बात करूं, तो इनके लिए डीप इंडियन मिशन, इंडियन ओशन मिशन चल रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्थ एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, हालांकि उनको निकालना मुश्किल है, और ट्रेड भी यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंडियन ओशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलिट्री मेडिसिन फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, माफ़ कीजिए यहाँ पे ये मिलिट्री मेडिसिन का कोई वर्ड है नहीं, ये आप कह सकते हैं कि टाइटल इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। हालांकि जो थीम थी वो इसी पे ही थी कि मिलिट्री मेडिसिन फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप इसको एक ग्रुप मत मान लीजिए कि ये ग्रुप है पूरा एक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा एक अलग ही ग्रुप है। इसका मिलिट्री मेडिसिन आप कह सकते हैं कि जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी मिलिट्री मेडिसिन पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये दिल्ली में हुई है, ठीक है, दिल्ली में हुई है। और पहला ये मिलिट्री कोऑपरेशन इवेंट है जो कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है। इंडिया 2017 में SCO का मेंबर बना था, 2017 के बाद से पहली बार इसने होस्ट किया है। कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि मिलिट्री मेडिसिन में हम काम करेंगे, ठीक है। थीम ये थी कि मिलिट्री मेडिसिन में काम करेंगे, कॉमन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी है मिलिट्री के अंदर उस पर काम करेंगे, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यू दिल्ली में इंडिया में पहली बार इसने होस्ट किया भारत ने। है क्या ये, शंघाई पैक्ट से शुरू हुआ था ये, शंघाई पैक्ट एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में शंघाई में फाउंड हुआ था, शंघाई में 2001 में शंघाई पैक्ट नाम से जाना जाता था। हुआ क्या कि इसको 2001 में इसका नाम चेंज कर दिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे ये आपको याद रखना है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान ने जब इसको ज्वाइन किया तो उसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, और फाउंडिंग मेंबर्स ये हैं, याद रखने आपको, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मेंबर स्टेट्स कितने, 8 हो गए आज की तारीख में, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर 6 थे, 8 हो गए, ठीक है। दो कौन से आप देख सकते हैं, अब एक तो इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान है ना, और पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान जुड़े हैं हाल ही में, बाकी सब के सब सेम हैं, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जैसे कि आपका अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट्स ही हैं, ठीक है। और 6 डायलॉग पार्टनर भी है, तो ऑब्जर्वर स्टेट्स आपको ठीक है अगर याद रख लेंगे तो अच्छी चीज़ है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्यों बात हो रही है इसकी, इंडिया ने इसकी मीटिंग को स्किप कर दी। स्किप इसलिए की क्योंकि पहली बात तो इसको ऑर्गेनाइज किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसको ऑर्गेनाइज करने का कारण ये था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया जाना था, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसके बारे में। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपोज करता है अपना इंडिया, क्यों, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से गुजर रहा है, जो बेल्ट जो बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनेगी, जो कनेक्टिविटी बनेगी, वो POK से गुजर रही है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, तो वो सॉवरेनिटी पे खतरा है हमारी, तो इसलिए इंडिया इसको अपोज करता है, इसलिए इंडिया ने इसको अटेंड नहीं किया, कर लेता अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात नहीं आती। तो एंशियंट जो ग्रेट सिल्क रोड थी उसको नए फॉर्मेट में लाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया गया, और उसको ही अपोज हमारा भारत करता है। 2017 में ये शुरू हुआ था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करने का प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया का पोजीशन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए था। बाकी फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या। देखो यूरोप ये एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी है इसकी, और ट्रीटी ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ट्रीटी ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ट्रीटी का नाम भी है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है। कंपोजिशन,
कंपोजिशन में याद रखो रशिया, बेलारूस, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जिसमें से रशिया, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान SCO के मेंबर हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है इन कंट्रीज़ के बीच में, सर्विसेज और लेबर, और अपना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इनका, तो ये आपको याद रखना है। बाकी बॉडीज़ इसके अंदर कौन कौन सी हैं, सुप्रीम काउंसिल है जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो मेंबर स्टेट्स हैं ना इनके पांच जो कंट्री मैंने आपको बताई, उसके जो मेम उनके जो हेड्स होते हैं वो बनाते हैं सुप्रीम काउंसिल। और इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी है, ये भी एक बॉडी है, ठीक है। और यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन भी एक परमानेंट सुपरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है यूनियन की। कमीशन का टास्क ये रहता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाया जाए। कोर्ट भी इसका खुद का, जो कि इसकी जो ट्रीटी है उसको उसका एप्लीकेशन ढंग से हो वो ध्यान रखता है, ठीक है। तो उसका कोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, क्यों न्यूज़ में, इंडिया ने हाल ही में $22 मिलियन की प्लेज की, हम $22 मिलियन इस फंड को देंगे। ये फंड लड़ता है एड्स, टीबी और मलेरिया से, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और एड्स से। अब पिछला बार जितना हमने किया था कंट्रीब्यूशन, उससे 10% ज़्यादा हम कर रहे हैं। ये फंड किस बात का है, ये फंड क्या है, ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम है ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में। और बेसिकली ये जो एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया के लिए लड़ता है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरा किया जा सके, जो गोल्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेटअप किए गए थे। 2002 में इसे फाउंड किया गया था। गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर और पीपल के बीच में काम करता है, पार्टनरशिप के बीच में, ठीक है। और इसका जो सेक्रेटरियट है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल फंड फॉर टीबी, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया 2002 में आया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर, इसका जो सेक्रेटरियट है वो है जनरल असेंबली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली माफ़ कीजिए, यहाँ पे इसका नाम आएगा इंटरपोल जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जगह आएगा इंटरपोल जनरल असेंबली, ये टाइटल होना चाहिए, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए हम, इंटरपोल जनरल असेंबली। क्यों न्यूज़ में है, देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, इंटरपोल, उसकी जनरल असेंबली, उसकी बात हो रही है। बेसिकली इंडिया ने इंटरपोल को सजेस्ट किया है कि जो जनरल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन की वो 2022 में हो, क्योंकि हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होएगा, तो इंटरपोल को ये सजेस्ट किया गया है। इंटरपोल क्या है, इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इंटरपोल भी कहते हैं। 194 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, 194 मेंबर्स, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1923 में ही आया था, बहुत पहले आ गया था, 1923 में ही आ गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से। और 1956 में इसे इंटरपोल बुलाने लग गए थे। 1923 में आया था इंटरपोल, इसका नाम 1956 में हो गया, उससे पहले 1949 में हमने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो 23 में आया, 49 में इंडिया ने ज्वाइन किया, 56 में इसको इंटरपोल बुलाने लग गए। ओल्डेस्ट मेंबर है इंडिया, बाकी टेररिज्म, बॉर्डर इंटीग्रिटी इन सब के लिए काम करता है, साइबर स्पेस के लिए, सिक्योर साइबर स्पेस के लिए काम करता है, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी के लिए काम करता है, ग्लोबल इंटीग्रिटी के लिए काम करता है। इसकी जनरल असेंबली को अगर बोला गया है कि आप जो है जनरल असेंबली 2022 में हमारे हो, तो जनरल असेंबली क्या है, इसकी जनरल असेंबली सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है ना, सारे मेंबर्स आते हैं इसमें, सारे ऑल इट्स मेंबर कंट्रीज, एनुअली मिलती है, 4 दिन के करीब ये मिलती है, वोट करती है एक्टिविटीज़ पे, पॉलिसी बनाती है। हर कंट्री का अपना एक होता है या एक से ज़्यादा डेलीगेट होता है ना, पर्टिकुलरली वो डेलीगेट अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI हैं, और जो रो वगैरह, इनके चीफ्स होते हैं, ठीक है, इनके चीफ्स होते हैं। और बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज होगी हमारी, उनके डेलीगेट्स हैं, उनके जो चीफ्स होते हैं वो आते हैं डेलीगेट बन के, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। असेंबली का काम ये भी है कि जो इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूटिव जो
इसके काम को एग्जीक्यूट करने का काम करती है कमेटी, उसके मेंबर भी इलेक्ट करती हैं ऐसे, है ना। असेंबली के रेजोल्यूशंस डिसीजंस जो होते हैं रेजोल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं, हर मेंबर का अपना वोट होता है, या तो अब डिसीजन के ऊपर है, अब यह डिसीजन वो सिंपल मेजोरिटी से होता है या टू थर्ड मेजोरिटी से होता है, पर हर कंट्री का अपना एक वोट है। डिसीजंस के ऊपर मैटर करता है कि डिसीजन कितना सीरियस है, तब तो मेजोरिटी वोट लें तो या तो सिंपल वोट लें, पर आपको याद रखना है कि हर मेंबर कंट्री के पास अपना एक वोट होता है और रेजोल्यूशंस इसमें पास होते हैं। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, इलेक्शन कमीशन अपनी भारत की, फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज होस्ट कर रही है बेंगलुरु में, 2019 और 21 टर्म के लिए इंडिया को चेयर करेगी, 2019-21 टर्म के लिए, और फोर्थ ध्यान रखना, फोर्थ ये बेंगलुरु में हुई है। ये क्या है, ये एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का पूरी दुनिया में, ठीक है। कब बनी थी, 2013 में, अभी हाल ही में 2013 में बनी थी, साउथ कोरिया में, सोंगडू में, साउथ कोरिया में। तो उसका हेडक्वार्टर परमानेंट सेक्रेटरीट भी सियोल में, तो फाउंड भी कहाँ हुई थी, साउथ कोरिया में, सेक्रेटरीट भी कहाँ है, सियोल में, सियोल साउथ कोरिया की वो है ना, क्या बोलते, कैपिटल है ना, तो ये याद रखना है। तो बाकी ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस को कंडक्ट करने में मदद करती है, काम करती है। इसके 115 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ है, जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन है ना, वैसे दुनिया में जितने भी हैं सब इसके मेंबर हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कितने हैं। ये थी हमारी आज की पार्ट थर्ड, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।